बड़ी खबर देखिए, गोंडा में करण भूषण के काफिले से बड़ा हादसा। काफिले में चल रही एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले ली है। बड़ी खबर इस वक्त गोंडा से सामने आ रही है। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद दिया और देखिए दो लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बड़ी खबर ये गोंडा से इस वक्त सामने आ रही है। करण भूषण से जुड़ी हुई खबर है। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुआ है। कैसरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी है करण भूषण और देखिए उन्हीं के काफिले से यह हादसा हुआ है। करनैलगंज कोतवाली के छतईपुरवा का यह पूरा मामला है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करण भूषण के काफिले से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई है। काफिले में चल रही एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले ली है। तेज रफ्तार गाड़ी जिसने बाइक सवारों को रौंद दिया और इस हादसे में दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं करण भूषण सिंह और उन्हीं के काफिले की एक गाड़ी ने देखिए एक बाइक सवार को कुचल दिया जिसमें दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड क्रॉसिंग के पास एक फॉर्चुनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया है। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्चुनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्चुनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।